दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम मिलवाते हैं आपसे संजू मंजू के पास, जो कि हम यहां पर फिर से आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं संजू मंजू जी यहां बैठी हुई हैं। दोस्तों संजू मंजू जी जौनपुर केराकत चंदवा क्षेत्र में संजू मंजू जी का घर है। जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी इनका नाम है और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इनकी आवाज़ बहुत सुरीली है, बहुत प्यारी आवाज़ है। तो आप से मिलवाते हैं संजू मंजू जी से। तो स्वागत है संजू मंजू जी आपको हमारे चैनल में। सभी दोस्तों को संजू और मंजू की तरफ से तहे दिल से प्रणाम करती हैं संजू मंजू। और जितना प्यार दुलार आप लोग संजू और मंजू जी को दे रहे हैं, उतना ही प्यार हमारे राजू भैया को दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भैया का सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय नवरात्र स्टार्ट हो गया है, जगह जगह पंडाल लग रहा है, तो नवरात्र दुर्गा पूजा स्टार्ट हो गया है। तो आज हम संजू मंजू जी हमारे बीच में बैठी हैं। तो संजू मंजू जी आज नवरात्र पे गीत गाएंगे, भक्ति कौन से गीत गाएंगे? देवी गीत गाएंगे हम पचरा। तो दोस्तों संजू मंजू जी देवी गीत गाएंगी, जो कि पचरा गीत के नाम से भी एक जाना जाता है कि देवी गीत और पचरा गीत। तो देवी गीत पचरा गीत एक ही मतलब एक ही अलग अलग? नहीं नहीं एक ही होता है, मतलब शब्द अलग। हाँ, माता जी उस गीत को बहुत ही प्रसन्नता से सुनती हैं, तो उसी को पचरा गीत कहते हैं और देवी गीत भी कहते हैं उसको। है तो दोस्तों हम बता दें ये संजू जी हैं और ये मंजू जी हैं। तो दोनों सगी बहन हैं। तो सोशल मीडिया पे वायरल चल रहे हैं, इनका यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी चला रही हूँ, साथ में मैनेज कर रही हैं। तो चलिए सुनते हैं देवी गीत, जो कि पचरा गीत बोलते हैं। सेला बाबा सेला जंगलवा गजब निकला गेला मैया, सेला बाबा सेला जंगलवा गजब निकला दोस्तों संजू मंजू जी सबसे पहले गाना लिखती हैं, जो भी गीत रहता है, चाहे वो भक्ति गीत हो, चाहे वो किसी और टॉपिक पे गीत हो, सबसे पहले गाना लिखती हैं, उसके बाद फिर याद करती हैं। तो काफ़ी मेहनत, काफ़ी प्रयास करती हैं, उसी उसके बाद तब कोई गीत गाती हैं तो आप तक ये गीत पहुँचती है। तो संजू मंजू जी आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, तो आप कैसे मतलब गीत शुरू करती हैं, आप पहले लिखती हैं? हाँ, हम पहले गीत को लिखते हैं, कितने गीत जितना, जैसे कि बड़ा बड़ा जो कांड होता है उस पर हम अपना अपने कलम से गीत लिखते हैं, उसको गाते हैं। और देवी माता का गीत तो हमारे हृदय में हजारों गीते हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि एक एक शब्द को जोड़ना इतना आसान नहीं होता, एक एक लाइनों को जोड़ना, एक एक शब्द को मिलाना और किस तरह से गीत को बनाना है, उस कोई गलती हो जाती है कि नहीं, कौन सा वर्ड बोलना है, उसी हिसाब से टाइम लगता है और काफ़ी मेहनत का सामना उठाना पड़ता है। तो आगे एक देवी गीत और हम सुना दे रहे हैं भैया, क्योंकि माता जी का जो है एक कदम दिन करीब आ गया है और हम ये समझते हैं कि हमारे गीतों से माता रानी प्रसन्न होकर के जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को अपना आशीर्वाद दें। अड़हुल के फुलवा में कवन गुण हो मैया गैलू लो भाई, अड़हुल के फुलवा में कवन गुण हो मैया गैलू लो भाई, गैलू लो भाई मैया गैलू लो भाई, गैलू
गुना हो मैया गैलू लो भाई गैलू लो भाई मैया गैलू लो भाई गैलू लो भाई मैया गैलू लो भाई ऊंचे पहाड़वा पे कवन गुना हो मैया गैलू लो भाई ऊंचे पहाड़वा पे कवन गुना हो मैया गैलू लो भाई। दोस्तों इतना आसान नहीं होता कोई गीत गाना और सुनाना। तो संजू मंजू जी सोशल मीडिया पे वायरल चल रहे हैं, तो आप लोग भी और आगे बढ़ाइए संजू मंजू जी को और साथ में हमें भी बढ़ाइए, ताकि ऐसी आवाज़ सारे जगह गूंजे और सारे शहर में गूंजे। तो संजू मंजू जी और आपको सुनाना चाहेंगी? जी अवश्य देवी गीत सुनाऊंगी, क्योंकि देवी माता का ही पहर है, तो देवी गीत मैं सुनाऊंगी। नवरात्रि का समय चल रहा है, नवरात्र चल रहा है, तो इस समय देवी माता जी का पहर तो चल ही रहा है, तो चलिए शुरू करिए। दर्शन करा के मैया दर्शन करा के मैया जात बाड़ू हो मैया जात बाड़ू हो जब से आइल नवरात्र मूसा कात बाड़ू हो जब से आइल नवरात्र मूसा कात बाड़ू हो दर्शन करा के मैया दर्शन करा के मैया जात बाड़ू हो मैया जात बाड़ू हो जब से आइल नवरात्र मूसा कात बाड़ू हो जब से आइल नवरात्र मूसा कात बाड़ू हो बीड़ा बाजा के मैया बीड़ा बाजा के मैया जात बाड़ू हो मैया जात बाड़ू हो जब से आइल नवरात्र मूसा कात बाड़ू हो जब से आइल नवरात्र मूसा कात बाड़ू हो संजू के देख के मैया संजू के देख के मैया जात बाड़ू हो मैया जात बाड़ू हो काहे मांजू के देख के मूसा कात बाड़ू हो काहे मांजू के देख के मूसा कात बाड़ू हो। दोस्तों तो आपने संजू मंजू जी का गीत सुना, नवरात्र का गीत संजू मंजू जी ने गाया। संजू मंजू जी आप क्या खाती हैं, मतलब कि आपकी इतनी आवाज़ सुरीली, आप जब बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा गूंज जाता है, तो कुछ अपने बारे में बताइए। जी कुछ वैसा तो नहीं खाती हूँ, बस एक छोटी इलायची जो होती है इलायची, तो एक हमारे देवर जी भी हैं सिंगर, तो अक्सर हम देखते थे कि अक्सर वो इलायची खाया करते थे छोटी वाली इलायची, तो हम लोग भी छोटी इलायची खाते हैं, उससे हमारा गला जो है बिल्कुल साफ़ रहता है, आवाज़ भी बिल्कुल साफ निकलती है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने से इससे मतलब गला ख़राब हो सकता है? हाँ भैया ऐसा होता है, हम लोग गाते समय ठंडा पानी नहीं पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं और छोटी इलायची खाते हैं। इस बारे में आप लोगों को क्या जागरूक करना चाह रहे हैं कि अगर गला आप जैसे आप लोग गीत गाती हैं संगीत गाती हैं और सोशल मीडिया से आपसे जुड़ा हुआ है तो लोगों तक क्या संदेश आप पहुंचाना चाह रहे हैं कि मतलब जो लोग गीत गाते हैं तो उन लोग किस तरह से मतलब रहें कि कोई गले वले में कोई दिक्कत ना आए, हमेशा वो ठीक रहें, हमेशा गाती रहें? जहाँ तक हमें जानकारी है, जितने हमारी बहन हैं हमारे भाई हैं सभी तक हमारा ये संदेश पहुंच जाए तो अच्छी बात है। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि हम तो भाई देखिए छोटी इलायची खाते हैं, अगर आप लोगों को पसंद है खाना तो आप लोग भी खाइए और अपना गला साफ कीजिए, अच्छी और सुंदर सुरीली आवाज़ निकालिए, मैं तो यही सबसे कहना चाहती हूँ। तो चलिए दोस्तों संजू मंजू का जी का आपने सुना गीत सुना नवरात्र गीत, तो वीडियो अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।